जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम क्या हैं? क्या आपको भी हनुमान चालीसा के पाठ का पूरा फल नहीं मिलता? क्या बहुत समय से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन क्या वीर बजरंग बली ने आपकी नहीं सुनी? ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन यदि न किया जाए तो हनुमान जी की पूजा हमें पूर्ण फल नहीं देती है? हम किस प्रकार हनुमान जी के हनुमान चालीसा को और अधिक प्रभावशाली बनाएं? 41 दिन पढ़ने का क्या लाभ है और 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़े किसी मनोकामना को लेकर, तो किस प्रकार हम उसका प्रारंभ करें और किस प्रकार हनुमान चालीसा पढ़े कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये जो चौपाई है ये बीमारी में बहुत काम करती है। जब घर में नेगेटिविटी हो या हमारे दिल और दिमाग में नेगेटिविटी हो तो आप इसका अगर उच्चारण करते हैं, मन ही मन में भी करते हैं, तो आपके मन में से डर दूर होता है, नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। आज बात हम करेंगे हनुमान चालीसे की। हम बहुत बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि कुछ देवी देवता हमारे ऐसे हैं कि वो बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज की सच्ची चिट्ठी है, जो आपने सच्चे मन से पूजा की पूर्ण नियम के साथ पूर्ण निश्चित पूरी होती है, लेकिन उसमें त्रुटि हो जाने पर पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ नियम शास्त्रों में वर्णित है। किस प्रकार हनुमान चालीसा हमें पढ़ना चाहिए, कितने दिन पढ़ना चाहिए, किस विधान से हमें करना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, सर्वप्रथम कुछ नियम मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उसी हिसाब से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो उसमें परिवर्तन कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको बिल्कुल तन और मन से स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। आपका मन अंदर से पवित्र होना चाहिए, आपके मन में कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए। सुबह सुबह आप नहा धोकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल करें तो बहुत अच्छा है। पुरुष लाल नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लाल अंगोछा डाल लें, नहीं तो लाल रंग के आसन पर आप बैठ जाएं। गंगा जल से हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। यदि आप स्नान नहीं कराते हैं, प्रतिमा नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं, आपके पास तस्वीर है, भक्ति भाव से आप गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। गंगा जल भी नहीं है तो जल छिड़क कर उसको पवित्र कर लें। उसके बाद हनुमान जी महाराज को एक लाल रंग का फूल चढ़ाएं, शुद्ध घी का उनके लिए दिया लगाएं। अगर आप रूटीन की हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो शुद्ध घी का आप उनके पास दिया लगाएं। गुड़, चना अथवा लड्डू का उनके लिए भोग अर्पित करें, ये आपने उनके सामने रख लेना है। फिर आप लाल आसन बैठ के सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण कीजिए, उसके पश्चात भगवान श्री राम और सीता मैया का स्मरण कीजिए, उसके पश्चात आप श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ कीजिए। हम डायरेक्ट हनुमान चालीसा प्रारंभ कर देते हैं, गणपति भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान श्री राम और सीता मैया का स्मरण नहीं करते हैं। भगवान राम का स्मरण किए बिना हनुमान जी को पूजा स्वीकार नहीं होती है, तो ये आपको अवश्य करना। उसके बाद पूरे भक्ति भाव के साथ, सही उच्चारण के साथ आपको हनुमान चालीसे का पाठ करना है। ये आपका नित्य जो लोग करते हैं या मंगल और शनिवार में ये करते हैं, ये आपका उसका विधान है। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार भी करते हैं, प्रातःकाल किया जाता है, फिर दोपहर में करते हैं और रात्रि में करते हैं। कहा जाता है रात्रि में 10 बजे के बाद अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको अपनी मनोकामना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11 दिन, केवल 11 दिन, किसी भी मंगल या शनिवार से आपको ये प्रारंभ करना है और पूर्ण मनोकामना लेके आपको जो भी कोई आपके अंदर मन में इच्छा है, अपने भले की इच्छा, किसी के बुरे की नहीं, सिर्फ अपने भले की इच्छा, मनोकामना लेकर नियम के साथ पूजा की जाती है, समय के साथ पूजा की जाती है, तो अवश्य ही कामयाब होती है और भगवान को स्वीकार होती है। आपके मन में कोई भी मनोकामना है पहले उसके लिए एक टाइम निश्चित कीजिए। मैं सुबह कर सकता हूँ या शाम को कर सकता हूँ, जो भी टाइम हो वो पूरे के पूरे 11 दिन सिर्फ एक टाइम हो, घड़ी देखकर 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हो। पहला तो ये नियम है।
दूसरी बात, अगर आप मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप तिल के तेल का दीपक भगवान जी के आगे लगाएंगे, तिल के तेल का दीपक भगवान जी के आगे लगाएंगे, भोग अवश्य चढ़ाएंगे, गुड़ चने का चढ़ाएं या लड्डू का चढ़ाएं, वो आपकी इच्छा है। आपने जो भी समय निर्धारित किया है उसी समय पूजा करें। एक लोटा रखेंगे, उस लोटे के अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा डालना है और एक एक रुपए का सिक्का डालना है। एक लौंग का जोड़ा, एक रुपए का सिक्का, आपको एक जो कलश अपने जहाँ हम पूजा करते हैं रखते हैं ना, लोटे में जल भर के आप रख लीजिएगा, एक लौंग का जोड़ा, एक रुपए का सिक्का रख के भगवान जी को तुलसी दल भी अर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, प्रतिदिन एक बार या प्रतिदिन तीन बार, जो भी आपने अपनी मनोकामना रखी है, जो भी आपने पहले दिन संकल्प लिया है कि मैं प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या मैं प्रतिदिन तीन बार, जो आपने लिया है वही आपको रोज करना है। एक ही बार का संकल्प लेंगे तो भी कोई नहीं है, जो आपने लिया है वही करें। पूरे 11 दिन तक आप इसे बिल्कुल नियम से समय से कर कर देखिए। आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाइए। ये सामान जो मैंने आपको बताया है, तिल के तेल का दीपक, फिर से बता दे रही हूँ, तिल के तेल का दीपक, आपने लाल फूल चढ़ा दिया, तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, एक कलश में लौंग का जोड़ा और एक रुपये का सिक्का डाल के रख लिया। उसके बाद लाल आसन पर आप आराम से बैठ के शांत चित से, और उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणपति को स्मरण किया, श्री राम और सिया जी को स्मरण किया, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करा, उसके पश्चात भोग लगाया। जल का लोटा जो आपने रखा था उसके अंदर आपने 11 दिन तक ये पाठ करना है, आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण होगी। उसमें से जो वो एक रुपये का सिक्का है और लौंग का जोड़ा है वो आपने निकाल लिया, और जो जल है उसे थोड़ा सा स्वयं ग्रहण करो, थोड़ा सा घर में छिड़को, या जिसे चाहो उसे भी आप ये पीने के लिए भी दे सकते हो, और नहीं तो फिर प्लांट्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। लोटे के जल का जो एक रुपये का सिक्का है और दो एक लौंग का जोड़ा है, एक रुपये का सिक्का और एक लौंग का जोड़ा, वो आपका अभिमंत्रित हो गया, वो आपका अभिमंत्रित हो गया, उसे आप अपने पास में रखिए। 11 दिन तक आपको उसको उसका कुछ नहीं करना है, 11 दिन तक आपको उसको का कुछ नहीं करना, उसे संभाल कर रखते रहिए। चाहे घर के मंदिर में रख लीजिए, कोई एक भी स्थान पर आप संभाल कर रख लीजिए। जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे उसके पश्चात आपके पास 22 लौंग एकत्रित हो जाएंगी और 11 सिक्के एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ा लौंग गोला है तो 22 लौंग एकत्रित हो गए, 11 आपके पास सिक्के एकत्रित हो गए। तो 22 लोग और 11 जो सिक्के आपके पास एकत्रित हैं उनको आप, वो आपके अभिमंत्रित हैं, हर दिन कलश में से आपने लिए हैं, उन सिक्कों को आप बिल्कुल संभाल कर रखिए। जब भी आपको कहीं जाना हो, आपने जो भी मनोकामना रखी उसके अनुसार आप उनका इस्तेमाल करिए, और जो आपके पास वो लोग हैं वो भी आप अपने यूज में लीजिए। बाद में जल प्रतिदिन यूज करना है, लोग और सिक्के संभाल के रखने, 11 दिन का पूरा होने के बाद यह है चमत्कारी 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने का चमत्कार आपको दिखाई देगा जब आप इस कार्य को इस नियम और इस विधि से करेंगे। यह है चमत्कारी हनुमान चालीसा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल बिल्कुल पूरी होंगी। तो मैं समझती हूँ, हाँ एक छोटी सी बात और बता दूँ, अभी बहुत सारी मेरी बच्चियों के प्रश्न आने लगेंगे कि महिलाएं या बच्चियां कैसे करें। 11 दिन वो सेलेक्ट करिए जब आप अपनी डेट से फ्री हो जाएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, आप सब पूजा कर सकती हैं, लेकिन बस हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है, आपको बस स्पर्श नहीं करना, बाकी आप उनसे आराम से बैठकर पूजा कीजिए, अपनी मनोकामना कीजिए, पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप बिल्कुल प्रेम से कर सकती हैं, श्रद्धा से कर सकती हैं, ईश्वर आपकी जरूर पूजा भी स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करेगा।